बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल फलस्तीन तनाज़ा जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और ये अब किसी वक्त एक आलमी ताकत की मर्जी से ख़त्म होने वाला नहीं। इस जंग ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया और अब पाकिस्तान भी इसकी लपेट में नजर आ रहा है। अमेरिकन मीडिया की एक रिपोर्ट जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इशू की है, उसके मुताबिक रशिया ने पाकिस्तान से अपना असलाह वापस मांग लिया। रशिया ने असलाह वापसी का कौन सा मुतालबा किया, उसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है, इस प्रोग्राम में भी मैं उसका तफसील से डिस्कस करूंगा। इसके अलावा फलस्तीन से इंतहाई अहम इतलात आई हैं कि यमन के जो बागी हैं उन्होंने एक बार फिर इसराइल के अहम मकाम पर मिसाइल्स की बौछाड़ कर दी है। हिजबुल्लाह और गाजा की मुजाहमती तंजीम की तरफ से इसराइल को सरप्राइज देने का सिलसिला जारी और इस प्रोग्राम में हिजबुल्लाह और इसराइल की नई कार्रवाइयों के बारे में भी बातचीत करूंगा। बहरहाल इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी है, इतनी शदीद बम्बिंग कर रहा है कि आग और धुएं के सिवा गाजा में कुछ नजर नहीं आ रहा। इस्माइल हानिया के खानदान के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबरें मौसूल हुई है। जंग के अख्ताम पे गाजा के इलाके पर कौन काबिज होगा, अमरीका ने एक नया प्लान दे दिया। सबसे पहले शुरू करते हैं, इसराइल और फलस्तीन की जंग शुरू हुई तब से पूरी दुनिया के अंदर यहूदी कौम के खिलाफ गम गुस्से की एक शदीद लहर है। कैनेडा में यहूदियों के दो स्कूलों पर नामालूम अफराद ने रात गए फायरिंग की और कैनेडा के शहर मॉन्ट्रियल के दो स्कूल में जब अलग सुबह तलबा और साथ स्कूल पहुंचे तो मरकजी दरवाजे को गोलियों से छल नहीं पाया। दीवारों पर जा बजा गोलियों के निशानात थे। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाकया जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पेश आया। शवाहिद से तो पता चलता है स्कूलों पर की गई फायरिंग एक ही किस्म का असलाह और तरीकाकार इस्तेमाल किया गया और पुलिस के मुताबिक हमला आवरों की शनाख्त न होने की वजह से कोई ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। जिस तक फायरिंग की गई स्कूल खाली थे इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है मैक्रॉन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि गाजा में शहरियों पर बमबारी का कोई जवाब नहीं है, हमलों में खवातीन बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है और इसराइल गाजा पर बमबारी बंद करे, जंग बंदी का फायदा इसराइल को ही होना है। गाजा के मसले का हल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका शहरियों की जान बचाना मुमकिन है। दूसरी जानब इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू जो है उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट के बयान के बाब में रद्द अमल देते हुए कहा कि फलस्तीन मुजामती तंजीम हमास जो आज गाजा में कर रही है वो कल पेरिस, न्यूयॉर्क और दुनिया में कहीं पर भी कर सकती है। तो फ्रांस और इसराइल के दरमियान तनाव से तो ये जाहिर होता है कि इस जंग को लेकर दुनिया मजीद उसमें तकसीम हो रही है और अभी तो होना है, ये तो वही मंजरनामा लग रहा है ना कि लगता है अब यूरोप भी तकसीम हो रहा है। अगर तकसीम नहीं हो रहा तो फिर वो अपने आप को अमेरिका और इसराइल से जरा डिस्टेंस कर रहा है क्योंकि रशिया ने अमेरिका के बाद नेटो के साथ भी मुआहदे तोड़ दिए जिसकी वजह से अब जंग के इम्कान बढ़ते जा रहे हैं। रशिया की तरफ से असले की पैदावार में तेजी और पूरी दुनिया से अपना सेल शुदा असला वापस मांगना इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दुनिया के अंदर जंग बंदी यमन इस वक्त आलमी ताकतों के एजेंडे में शामिल ही नहीं है। रशिया ने पाकिस्तान, मिस्र और भारत से भी असला वापस मांगा जिसमें बिलखसूस जंगी हेलीकॉप्टर्स के इंजन शामिल है और ये रिपोर्ट अमेरिकन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इशू की है। तमाम रशिया की तरफ से अभी तक कोई भी मौकफ सामने नहीं आया। बहरहाल रूस की तरफ से असला वापस मांगना दो चीजों की तरफ इशारा करता है जो कि बहुत अहम है कि दुनिया का कोई भी मुल्क चाहे वो इसराइल या फलस्तीन की जंग में बराह रास्त मुलविस ना भी हो वो इससे महफूज नहीं है। पहली बात यह कि पाकिस्तान, इंडिया और मिस्र तीनों वो अहम ममालिक हैं जो जंग में कोई वाज़ेह मौकफ नहीं ले सके। तो इससे आलमी ताकतों को महज मजम्मत या जुबानी कलामी की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका है तो उसे बरतानिया जैसे इत्तेहाद की जरूरत है जो फौरी से अपना असला और फौजी मदद इसराइल के लिए रवाना करे। रूस को ईरान और चाइना जैसे इत्तेहादी चाहिए जो बवक्त जरूरत अमेरिकन अड्डों को भी निशाना बनाए और अपनी फौजों को भी तैयार रखे। और इसकी दूसरी बड़ी वजह जो है आलमी ताकतों की जैसे किसी बड़ी आलमगीर जंग की तैयारी भी हो सकती है जो कि जाहिर नजर आ रहा है। देखें जज्बाती होकर जितनी मर्जी बातें की जाए, हकीकत यह है कि अमरीका एक बहुत बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया ने में उसने अपने फौजी अड्डे कायम किए हुए हैं जिनकी मदद से वो बासानी रशिया और चाइना के साथ टक्कर ले सकता है। अमरीकी फौज पिछले लंबे अरसे से दुनिया के तूल अरस में फैली हुई है और कामयाबी के साथ अमेरिकन मफादात का तहफ़ भी कर रही है। चाइना और अमेरिका की चपलका शुरू हुए तो अभी जुमा 8 दिन हुए थे और ये चपलकश मौशी मैदान से शुरू हुई। ताहम ईरान और बिलखसूस रशिया पिछले लंबे अरसे से अमरीका के साथ नबरदाजमा है और जंगी मैदान में अमेरिकन सबकत को अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा रशिया की अब कोशिश है कि जंग फैलती है और बड़ी ताकतों को इसमें बराह रास्त कूदना पड़ता है तो रूस, अमेरिका समेत नेटो जैसे किसी भी बड़े फौजी तहाद से टकराने के लिए तैयार हो। तो दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस की गाजा पे बमबारी में फलस्तीन की मुजामती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की पोती भी शहीद हो गई है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में मेडिकल की तालिबा थी। वो बराक स्कूल पर होने वाले इसराइली हमले में शहीद हुई और हमले में दीगर 25 फलस्तीनी भी शहीद हुए।
अम्मास से मुंसलिक अकाउंट्स से भी इस्माइल हानिया की पोती की शहादत की तस्दीक हो गई है। तो अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। अम्मास की जो सरबराह है, इनके खानदान ने इस जंग में बहुत ज्यादा खानदानी कुर्बानियां दी हैं। इससे पहले भी इनके खानदान के बहुत लोग शहीद हो चुके हैं। मकबूजा फलस्तीन के मैसूर इलाके गाजा में इसराइली बमबारी से फलस्तीन बुजुर्ग के तमाम पोते पोतियां शहीद हो गए और बुजुर्ग के पोते पोतियों की मैयतों से रोते हुए खिताब होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसराइली बॉम्बिंग में फलस्तीनी खानदान के खानदान उजड़ गए और अब एक ऐसे ही बुजुर्ग फलस्तीनी की दुआई देते हुए वीडियो सामने आई है जिसके पोते पोतियां इसराइली जारियत का निशाना बने। वो बुजुर्ग अपने शहीद पोते पोतियों की लाशों पर खड़े होकर रोते हैं, कहते हैं कि जब तुम्हारी नबी मेहरबान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो उनको कहना, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत ने गाजा वालों को नाकाम किया। ऐ अल्लाह के रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों ने हमें नाकाम किया। तो बुजुर्ग दादा ने मजीद कहा कि मेरे पोते पोतियों, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि मेरे पोतों पोतियों, अल्लाह के रसूल तक ये पैगाम पहुँचाना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने गाजा वालों को बिल्कुल नाकाम कर दिया। वो कहते हैं कि रसूल पाक को बताना कि हमारे टुकड़े होते रहे और तमाम उम्मत जो है वो तमाशा देखती रही और मजम्मत के अल्फाज बस बोलती रही। बहरहाल गाजा में इसराइल की जानिब से ज़मीनी और फिजाई जारियत जारी है। उसके वजह से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और उन्हें सर छुपाने के लिए अस्पतालों में या फिर अक़वामे मुत्तहिदा के कैंप्स में पनाह ली गई है। तो इसराइल की जानिब से अब अस्पतालों पर भी हमले हो रहे हैं जिसके बाद शुमाली गाजा से 1 लाख के करीब फलस्तीनी पैदल नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। और इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिनों में 1 लाख फलस्तीनी शुमाली गाजा से जनूबी गाजा में मुंतकिल हुए जिसमें बच्चे और जख्मी शामिल हैं। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल की जारियत मुसलसल जारी है और सियोनी फोर्सेस ने जनूबी गाजा नकल मकानी करने वालों पर भी हमले कर दिए। दूसरी जानब अकवामे मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के दफ्तर ने अपने बयान में कहा है कि वो गाजा शुमाल में इमदादी ट्रक पहुँचाने से कासिर हैं जहाँ अभी तक लाखों अफराद मुकीम हैं। इन्हें अगर दुनिया पर कोई जहन्नुम है तो इस वक्त शुमाली गाजा है। यमनी बागी जो है उनकी तरफ से इसराइल के जनूबी इलाके बिलखसूस एलात शहर को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। हूतियों का कहना है कि इस इलाके में इसराइली फौज की खुफिया तनसीबात है जहां से वो इस जंग को कंट्रोल कर रहा है। इस इलाके में इसराइल फौज की ड्रोन की मदद से मुसलसल अमरीका और इसराइली आदाब पर वो निशाना बना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अम्मास ने एक बार फिर इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव को रॉकेट से निशाना बनाया और इसके हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर रॉकेट की बौछार की है। इसराइल की हिमायत करने में मशरिक वस्ती में तैनात अमेरिकन फौजियों को हमलों का सामना है। गाजा में इसराइली हमले शुरू होने के बाद मशरिक वस्ती में तैनात अमेरिकन फोर्सेज पर 40 हमले हो चुके हैं। अमेरिकन फौजी अड्डों पर इराक और शाम से 40 ड्रोन और रॉकेट हमले किए गए। इराक और शाम में मजमुई तौर पर 3,400 अमरीकी फौजी तैनात है। तो अमेरिकन फौजियों पर सबसे ज्यादा हमले जो है वो इराक में हुए। गुज़श्ता रोज अमेरिकन वज़ीर ख़ारिजा ने इराक का दौरा किया और वहां पर इराकी वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि अमेरिकन फौजियों पर हमलों में मुलव्वस ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करे, जैसे वो कर सकता उसकी औकात है ये करने की। बहरहाल इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और जैसे ही गाजा से मजीद अपडेट्स आती हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।